हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि दीपावली आज है और चारों तरफ खुशी का माहौल है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे, अपने घर के बाहर का व्यू दिखाएंगे। ये हमारा घर है दोस्तों, और घर के बाहर आप ये दोस्तों देखेंगे, ये हमारा घर है। और इसके बाद हम ले चलेंगे अपने घर के बाहर, जो लाइटें जल रही हैं, जो प्रकाश जल रहा है देखेंगे दोस्तों। और सबसे जो बढ़िया चीज़ हम आपको दिखाएंगे, सबसे जो उचित चीज़ दिखाएंगे वो है दोस्तों, बाहर आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही कमाल की ये छोटे छोटे घर बनाए हैं। तो वो स्पेशली बहुत ही सुंदर हैं, और उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से उन घरों को तैयार किया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत हैं। तो आपको देख करके मज़ा आने वाला है दोस्तों, कि किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत किया है, और मेहनत के बाद में इस दिवाली के उपलक्ष्य में बहुत ही छोटे छोटे घर और उनको उस प्रकार से सजाया है। तो बहुत ही देखने में बहुत इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, अब हम लेकर चलेंगे आपको घर के बाहर का व्यू दिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये है हमारा घर, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा घर है। हाँ भैया, ये दोस्तों देखिए, बहुत ही सुंदर रंगोली, और ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा घर, जो कि एक छोटे बच्चे ने बनाया है। और देखिए यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं हैं, एक घर में जितनी व्यवस्थाएं होती हैं सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। देखो, आप देख सकते हैं ये बच्चे ने एक सीढ़ी, जो जीने बनाए हैं कितने अच्छे सुंदर, और ये इसके अंदर पूरी व्यवस्था है, बढ़िया सा दीपक रखा हुआ है। और ये देखेंगे हैप्पी दिवाली भी लिखा हुआ है, और ये मतलब ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। और ये इधर, ये इस पर ऊपर जाने के लिए जीना है, और जीने के बाद में ये है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर दोस्तों देखेंगे बहुत ही प्यारा सा, और सेकेंड फ्लोर के बाद में भी अगर छत पर जाना है तो उसके लिए भी ये जीने बनाए गए हैं। और जीने बनाने के बाद में आप देख सकते हैं ये छत पर एक जो दीपक रखा हुआ है, और ये देख लीजिए, ये दोस्तों देखिए। और इसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक सीढ़ी रखी हुई है, और सीढ़ी के बाद में ये दोस्तों देख सकते हैं, ये एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये हमारे घर के पास में एक छोटी सी बच्ची है जिसने बनाया है, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर रहने के लिए। आप सेकंड फ्लोर का यहाँ पर ये घर है, और बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, और सीढ़ी भी है, और प्लस आप देख सकते हैं जीने भी बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको और भी घर दिखाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। और अभी हम उस बच्चे से भी मिलवाते हैं, ये है उसके द्वारा बनाई गई रंगोली, और उस बच्चे से पूछते हैं किस प्रकार से उस बनाया। रानी बताओ, रानी कहाँ है, रानी आ जाओ क्या। तो दोस्तों, अभी हम मिलवा रहे हैं रानी से, बैठ जाओ यहाँ पर, बैठो बिटिया। किस प्रकार से आपने इसको बनाया, किस कहाँ से सीखा ये बनाने के लिए? मोबाइल से। मोबाइल से सीखा था, तो इतना मतलब अच्छा कैसे आपको आइडिया मिला बनाने के लिए? मेहनत किया लेकिन। अच्छा, इस घर को बनाने में कितने दिन, कितना समय लगा? दो घंटे बना दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, छोटी सी बच्ची ने इतनी मेहनत करके और बहुत ही अच्छी तरीके से, देखो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा घर बनाया है। तो आप दोस्तों
इस बच्ची के लिए एक लाइक्स तो बनता ही है, और देख सकते हैं आप किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दीपावली के पावन पर्व पर मेहनत करके और ये घर बनवाया है। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद में हम आपको दूसरे घर यानी पास के ही घर में लेकर चलेंगे, वहाँ पर भी अच्छा सा सुंदर सा घर बना हुआ जो कि छोटे बच्चे ने बनाया है, और वहाँ पर भी ले चलेंगे आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों देखेंगे बाहर का नज़ारा, ये दोस्तों देखेंगे, और आपको हम लेकर चल रहे हैं एक दूसरे जो हमारे घर के पास में एक दूसरा घर है, और वहाँ पर भी एक बच्ची ने इतना ही, पहले आपको लेकर चलेंगे हम अपने दूसरे घर और उसके पश्चात में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे जो पास पड़ोस के बच्चे हैं, ये हमारी घर की जो गली है, और ये हम आ गए अपने घर। ये दोस्तों देख सकते हैं ये हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे घर का व्यू, ये पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों पर चारों तरफ लाइट लगी हुई है। ये देखिए, ये दोस्तों देख सकते हैं ये पेड़, और ये दोस्तों देख सकते हैं ये रंगोली, ये दोस्तों देख सकते हैं व्यू, ये दोस्तों देख सकते हैं एक और घर जो एक छोटे से बच्चे ने बनाया है, और बहुत ही प्यारी सी रंगोली। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, और ये घर आप देख सकते हैं रात में ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये झालर भी लगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं ये सेकंड फ्लोर, और इस पर ये एक छोटी सी झोपड़ी भी रखी हुई है, यहाँ से जीने हैं और यहाँ से कोई भी व्यक्ति ऊपर जा सकता है, और ये रेलिंग, तो ये देख सकते हैं छोटे से बच्चे ने बनाया है। ये दोस्तों देखिए, सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों ये देखिए दूसरा घर, बहुत ही प्यारा घर, और किस प्रकार से इस छोटी सी बच्ची ने आपको बनाकर दिखाया है। ये देखिए सेकंड फ्लोर का ये घर है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो छोटी सी बिटिया अंशिका यादव इनका नाम है, और इन्होंने बढ़िया सी झालर की व्यवस्था की है, और अपने घर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया संवारा है। तो दोस्तों ये देखिए, और इसके अलावा भी देखेंगे आप ये बहुत ही प्यारी सी रंगोली भी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये रंगोली है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पेड़ भी लगे हुए हैं, यहाँ पर दो पौधे लगे हुए हैं जो फूल के पौधे हैं, और बहुत ही प्यारे पौधे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जीने हैं, इन जीनों से चढ़ करके कोई भी व्यक्ति जाएगा यहाँ पर इस सेकंड फ्लोर पर,
जो कि प्योर मिट्टी से बना हुआ है और बहुत ही प्यारा घर है। और आप देखेंगे छत पर भी ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो इस घर को बहुत ही प्यारा बनाते हैं। और देखेंगे यहाँ पर ये रेलिंग भी, ये रेलिंग भी लगी हुई है। और ये यहाँ पर घर लगा, यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए स्विमिंग पूल दोस्तों, ये देखिए कितना साफ पानी भरा हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे से कंकड़ और पत्थर भी हैं जिससे पानी बिल्कुल स्वच्छ रहे। और घर के अंदर भी आप देख सकते हैं, आज लेकर चलते हैं घर के अंदर। ये देखिए घर के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है और बेड कितना प्यारा बेड है आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये रहा बेड। और बेड में देखेंगे किस प्रकार से जो है नग लगे हुए हैं और चमक रहा है दोस्तों। और भी इसके अंदर छोटे छोटे चूल्हे और बर्तन भी रखे हुए हैं, ये देखिए दोस्तों। और इस प्रकार से देख सकते हैं। और हम बच्ची से मिलाने जा रहे हैं आपको, अंशिका, क्या नाम बेटी आपका? अंशिका यादव। थोड़ा दूर से दिखा देते हैं अंशिका यादव को। और अंशिका यादव के साथ में ये देखिए आप घर, इनका प्यारा सा घर। और अब अंशिका से हम इस छोटी सी बच्ची से कुछ पूछते हैं जिससे कि आपको भी कुछ अंशिका के बारे में पता चले और आप भी जो छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा दें जिससे कि वो भी इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्य बहुत ही सुंदर कार्य करें। अंशिका बिटिया, इस घर को बनाने में आपको कितना समय लगा? ये दोस्तों 2 दिन की अथक परिश्रम के बाद में इतना प्यारा सा घर बना हुआ है। और ये बिटिया आपने कहाँ से सीखा, इसको इसकी कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? अपने मन से। तो दोस्तों देख सकते हैं छोटी सी बच्ची ने अपने मन से इतना अच्छा जो है करके दिखाया है और इतना प्यारा सा घर बनाया है। और अभी नवरात्र में भी इस बिटिया ने एक छोटे छोटे घर, मंदिर और माता जी की मूर्ति भी बनाई थी जिसको हम नहीं दिखा सकें, लेकिन आज आप देखिए कितना प्यारा सा घर। और इस बच्चे के लिए आपको एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जो गांव के बच्चे हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे, वो काफ़ी पढ़ने लिखने में भी बहुत बढ़िया हैं। और इसके साथ साथ में जो छोटे छोटे पेंटिंग्स हो गई या इस प्रकार के घर बनाने हुए गए, ये भी उनको अच्छी तरीके से आता है। दोस्तों ये अंशिका यादव का घर देख लीजिए, प्यारा सा घर है, चारों तरफ लाइट लगी हुई है ये। और तो हम चाहेंगे ईश्वर इस बिटिया पर अपनी जो आज दीपावली का अवसर है, माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी प्रकार से ये आगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत करते रहें। तो दोस्तों आगे भी हम ले जाएंगे आपको, ठीक है बिटिया, बहुत ही अच्छी बात। और इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें। तो दोस्तों अभी आपको ले जाएंगे। जय भोले गणेश भगवान की, भोले शेर वाली माता की, भोले अंबे भैया की। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगदी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगदी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चाल भुजाधारी, एक दंत दयावंत चाल भुजाधारी, पिता महादेवा। जय गणेश, लाज रख
पार्वती पिता महादेवा। भोले गणेश भगवान की जय। भोले शेरवाली माता की जय। भोले अंबे मैया की जय। भोले शेरवाली माता की जय। भोले लक्ष्मी माता की जय। भोले गणेश भगवान की जय। भोले अंबे माता की जय। भोले लक्ष्मी माता की जय। बोले कुबेर भगवान की जय। आरती पास में लक्ष्मी माता का जय। लक्ष्मी बोल लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता। Thank you.